नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दमोह जिले के कुम्हारी पटेरा से। जी हां, कुम्हारी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें करीब 9 लाख की अवैध शराब पकड़ी गई है। जी हां, दमोह जिले के कुम्हारी थाना पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें अवैध रूप से 196 पेटी शराब जो कि रीठी की तरफ से दमोह की तरफ जा रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी आर्य पांडे एवं स्टाफ जिनमें आरक्षक राजेश लोधी शेख खान ने चील घाट गांव के पास पिकअप वाहन MP 35 GA 0191 जिससे चालक छोड़कर भाग गया। एक साथी पुलिस की गिरफ्त में आया है जिस पर कार्रवाई की गई है। सर, आप पकड़ी गई, सर बताएं जानकारी। जी हाँ, कल वाहन चेकिंग के बाद मैं स्टाफ के रोड पेट्रोलिंग को निकले थे तो चील घाट के पास मुखबिर ने सूचना दी कि कटनी तरफ से एक पिकअप MP 35 GA 0191 सफ़ेद कलर की ये आ रही है, इसमें अवैध शराब है। तो हम लोगों ने स्टाफ सहित चील घाट के पास इसको रोकने का प्रयास किया तो ये पहले भागा, फिर हमने गाड़ी ओवरटेक करके इसको पिकअप को रोका तो पिकअप के ड्राइवर और उसमें बैठा व्यक्ति भागे। इसमें से भागते हुए हमने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, इसका चालक भाग गया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम जीवन रजक, ग्राम बोतराई, थाना पथरिया है। ये कटनी रीठी दुकान से अवैध शराब लेके पथरिया तथा बोतराई क्षेत्र में विभिन्न ग्रामों में अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाना पकड़ा गया व्यक्ति बताया है। जब सुधा शराब 196 पेटी देसी लाल मदरा है, सीलबंद है और इसकी कीमत लगभग 9,08,82,000 कीमती ये मौके से जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एवं भागे हुए चालक के खिलाफ और रीठी शराब दुकान के गद्दीदार के खिलाफ 34-2 आबकारी एक्ट की कार्रवाई की है। विवेचना में और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।